हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम चलाकरे के बारे में पढ़ेंगे। चलाकरे कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। न्यूज़ में क्यों है पहले ये जान लेते हैं। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर खोलने की बात की है चलाकरे में। चलाकरे कर्नाटक की चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर खोला जाएगा, आपको पता है गगनयान मिशन हमारा होगा, उसके लिए ये बनाया जाएगा। चलाकरे जो रीजन है उस रीजन में ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज़ बनी हुई है इसरो के लिए। इसरो की भी है, डीआरडीओ की भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है। तो इस वजह से इस जगह को साइंस सिटी भी कहते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि कर्नाटका में चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरी बात इसे साइंस सिटी भी बोलते हैं। और एक अलग से जो मैं आपको न्यूज़ बताऊं, श्रीहरिकोटा जो स्पेस पोर्ट है आपका जो आंध्र प्रदेश में है, उसमें एक क्वारंटाइन फैसिलिटी भी ऐड करने की सोची है। क्वारंटाइन फैसिलिटी क्या है? क्वारंटाइन फैसिलिटी का मतलब है कि उन लोगों को, उन सामानों को रोका जाएगा जो कि किसी बीमारी को या किसी पेस्ट को या इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा जो कि स्पेस क्राफ्ट में एंटर करेंगे और स्पेस में जाएंगे, उनको सुरक्षित, उनको हेल्थी रखा जाएगा, ठीक है, एंड एक्सपोज्ड उनको रखा जाएगा। इसे कहते हैं क्वारंटाइन फैसिलिटी। समझ में आ गया? साइंस सिटी की अगर मैं बात करूँ, जो जिसको चलाकरे कहते हैं साइंस सिटी, तो वो कर्नाटका की चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। इसको ऑयल सिटी भी कहते हैं, साइंस सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल मिल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये चलाकरे नाम है इसका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलाकरे जो है ये कंबली वुमेन ब्लैंकेट्स जो होते हैं उसके लिए फेमस है। वहाँ के जो लोकल कुरुबा लोग होते हैं वो बनाते हैं। तो वुमेन ब्लैंकेट्स, ऑयल सिटी, साइंस सिटी, इसे सेकंड मुंबई भी कहते हैं, क्योंकि ये एडिबल ऑयल के मामले में दूसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में मुंबई के बाद। तो मुंबई के बाद में ये आता है। तो साइंस सिटी, ऑयल सिटी, कंबली वुमेन ब्लैंकेट्स के लिए जाना जाता है, और सेकंड मुंबई है, और 60 प्लस ऑयल इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। अच्छा, स्पेस ट्रैवलर्स से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए सिंगल स्टॉप कंसोलिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सब अवेलेबल होगा इसमें। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि ट्रेन कहीं और करेंगे, सूट कहीं से आएगा और कहीं क्या नहीं, सारी जगह एक जगह ही होगी, सब कुछ इसमें हो जाएगा। बेसिकली अभी क्या होता था, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम था हमारा, इसमें आधे काम तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होता था जो तिरुवनंतपुरम में है केरला में, दूसरा होता था यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। तो कुछ कामों के लिए तिरुवनंतपुरम जाना पड़ता था, कुछ कामों के लिए बेंगलुरु जाना पड़ता था। तो अब ये काम जो है चलाकरे में डाल दिया जाएगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, है ना, माफ़ करना, कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका की चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये है चलाकरे, इसमें तिरुवनंतपुरम का और बेंगलुरु का दोनों काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्रू से रिलेटेड, सर्विस मॉड्यूल से रिलेटेड जितना भी काम है ये इस सब इसमें आराम से हो जाएगा। अब गगनयान मिशन है हमारा 2022 के लिए, उसके लिए जो 4 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स होंगे उनको रशिया में ट्रेन किया जाता, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसके बजाय अगर हम अपने देश में कर दें तो बेहतर चीज़ है ना। अच्छा, एक चीज़ और न्यूज़ में थी जो मैंने इसमें ऐड कर लिया, वो ये कर लिया, हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दूसरा इसरो का सेकेंड लॉन्च पोर्ट जो बनेगा उसके लिए अलाउ कर दिया गया है। लैंड जो है एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू करनी कर दी है तमिलनाडु में। कहाँ? तुथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट सेकंड लॉन्च पोर्ट बनेगा। पहला कहाँ है? श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर आंध्र प्रदेश में। क्यों बनाया गया दूसरा? साउथ में से आराम से लॉन्च कर सकते हैं। और इससे क्या है कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं मेनली उसके लिए बनाई है, ठीक है। अब एक फ़ायदा ये भी है कि कोई भी, एक तो फ्यूल की बचत होगी हमारी, कई चीज़ों की यहाँ पे एडवांटेज हमको मिलेगी। दूसरी बात, अगर सैटेलाइट डेब्रिस बन जाती है, कचरा बन जाती है, या उसका जो है काम ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ भी दिक्कत आती है, तो उसको बे ऑफ बंगाल में जो है हम डाल सकते हैं साथ की साथ। तो कई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक
तरीके से ये लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। याद आपको ये याद रखना है कि एक तो ये तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरी बात SSLV के लिए ही है। अब SSLV आप जानते हैं एक अपना होता है PSLV, GSLV, SSLV। तो SSLV हो गया अपना 500 किलो के लिए लेके जाने के लिए, स्पेस में 500 किलो तक का पेलोड उठाने के लिए SSLV है, और उस SSLV के लिए ये लॉन्च पोर्ट जो है बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो SSLV 500 किलो के लिए, उससे भारी के लिए PSLV के, और उससे भारी के लिए GSLV के लिए। तो GSLV हैवियर जो क्लास है उनको लेके जाता है जियोसिंक्रोनस और सैटेलाइट में, ठीक है। तो वो अलग ही टॉपिक हो गया, उसके लिए कभी हम और से बात करेंगे। लेकिन SSLV आपको अभी याद रखना है कि इसके लिए ये बनाया गया है तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।